वायरल खबर में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस के निशुल्क इलाज के लिए सभी युवाओं को 4,000 रुपए की मदद राशि मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भरें। मुझे 4,000 रुपए मिल चुके हैं, आप भी दिए हुए लिंक से आवेदन प्राप्त कर लें। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़, सबसे हटकर सबसे अलग, सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। राजस्थान की आवाज़ ने भेजे गए लिंक का ब्राउज़र चेक किया, जिसमें पीएम के चेहरे के साथ वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई है। इसके बाद एक लिंक दिया गया है जिसमें फ्री इलाज और सुरक्षा के लिए 4,000 रुपए की आर्थिक मदद की अपील की गई है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का विंडो दिया गया है। इसके बाद पेटीएम, गूगल प्ले और फोन पे का यूपीआई नंबर मांगा गया है। अब हम आपको बता दें कि क्या है प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना की सच्चाई। केंद्र सूचना एजेंसी पीआईबी की एक फैक्ट चेक विंग है। पीआईबी फैक्ट चेक जो सरकार, मंत्रालय और इनसे जुड़े विभागों के बारे में फैल रही भ्रामक और गलत जानकारियों के बारे में पड़ताल करती है और गलत पाए जाने पर इनका खंडन करती है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही रामबाण सुरक्षा योजना के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है, उस बारे में पीआईबी फैक्ट चेक ने खंडन किया है। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल पर लिखा है, एक फर्जी वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के तहत पंजीकरण कराने पर सभी को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पीआईबी ने कहा कि इस तरह की कोई योजना सरकार की ओर से नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने सतर्क किया है कि कभी भी अपनी निजी जानकारी ऐसी वेबसाइट पर साझा न करें। केंद्र सरकार के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से सावधान रहें। अगर आपने भी कोई वेबसाइट देखी है जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के तहत 4,000 रुपए का लालच दिया जा रहा है, तो सावधान रहें। इस तरह की हर वेबसाइट पूरी तरह से झूठी और फर्जी है। इसके जरिए आपको धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए राजस्थान की आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।